हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं कंटेंट और लेकर के आया हूँ। तो जो आज हमारा कंटेंट है, रेडमी नोट 6 प्रो डिस्प्ले के ऊपर है, डिस्प्ले ग्राफिक्स के ऊपर है। तो अगर आप देखते हैं गाइस, तो आपको मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपका कोई भी अगर रेडमी नोट 6 प्रो आता है, डिस्प्ले से प्रॉब्लम आता है, तो आप इसे इस वीडियो के माध्यम से देख करके बहुत इजी तरीके से आप काम कर सकते हैं। बट आपको पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं आपको पूरा वे में बताना चाहूंगा, कोई मैं आपको डायग्राम नहीं खोलूंगा कि आप ऐसा है वैसा है। इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। बट अगर आप, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखते हैं तो आपको एंडलेस सोल्यूशन मिलने वाला है गाइस। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको एंडलेस सोल्यूशन मिलने वाला है गाइस। तो चलिए यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे आपको एक नोट्स दिखाऊंगा। नोट्स के थ्रू आपको सारी चीजें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ गाइस। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले देखिए Redmi Note 6 Pro डिस्प्ले सोल्यूशन। अगर आप गाइस इसको देखते हैं पूरा, आप इसको वीडियो को लास्ट दिन तक देखते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है, जैसा कि हमेशा और भी इससे ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि ये मैं सारे सीरीज की वीडियो डालने वाला हूँ। ऐसा नहीं है, मैं सारे यहाँ पे आपको मैं बता दूँ गाइस कि मैं सारे सीरीज की वीडियो डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारी चीज़ें, तो चलिए फटाफट Redmi Note 6 Pro। तो सबसे पहले आपको 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप में आपको चलना होता है। सारी चीजें मैं आपको बता दूं, तो जो सबसे पहला है गाइस, आपको सबसे पहले क्या देखना है, अगर मैं वन की बात करूं तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके कनेक्टर में 21 नंबर पिन पे मैं आपको शुरू से एंडलेस सोल्यूशन देने वाला हूं गाइस। अगर आपका डिस्प्ले ग्राफिक्स नोट 6 प्रो का नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 21 नंबर पिन पे आपको फोन को ऑन कर लेना है और ये देखना है कि -5 वोल्टेज बन रहा है कि बन रहा है। उसमें आप अगर GR चेक करोगे तो उसमें कोई भी GR नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप GR और वोल्टेज दोनों ही चीज चेक करते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -5, 21 नंबर की पिन पे जो आपका डिस्प्ले ग्राफिक डिस्प्ले कनेक्टर होगा, 21 नंबर पिन पे आपको यहाँ पे देखना है -5 वोल्टेज को ढूंढना है। अगर ये आता है तो ठीक है। सेकंड में आपको क्या करना है, 23 नंबर की पिन में गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे +5 आपको चाहिए, क्योंकि दो ये जो वोल्टेज होते हैं ये हमारे ग्राफिक्स के वोल्टेज होते हैं। तो इसमें जो GR आना चाहिए 23 नंबर की पिन पे, हमारा 472 GR आना चाहिए, उसके अप्रॉक्स थोड़ा बहुत हो सकता है मीटर के अकॉर्डिंग। उसके बाद फर्स्ट हमारा ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया गाइस। अब हमारा जो थर्ड है, हमें तीसरा वोल्टेज क्या फाइंड करना है, हमें 3 और 4 नंबर की पिन पे। ये आपको कैसे पता चलेगा 3 और 4 नंबर कैसे, अभी मैं एक आपको पिक के द्वारा, लेआउट के द्वारा भी समझा दूंगा कि आपको कैसे सारा स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 3 और 4 नंबर की पिन VREG की लाइन होती है, जो कि इसमें 1.8। मैं आपको बहुत इजी वे में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखोगे कि यहाँ से जम्पर कर दो, यहाँ से ये कर दो, ये वो कर दो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नहीं दोस्त, मैं यहाँ पे आपको एंडलेस सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पे VREG 1.8, ये आपका 3 और 4 एक ही पिन है। यहाँ पे 3 और 4 पिन पे आपका GR आना चाहिए 364 और यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए 1.8। अगर आपका तीनों यहाँ पे मिसिंग है तो आपको जो ये लाइन आती है ये आपका PMI से आती है, जो हमारी ये जो नोट 6 प्रो की हम बात कर रहे हैं केवल फिलहाल। यहाँ पे जो हमारा -5 और +5 आएगा वो आएगा हमारा PMI से, और जो हमारे VREG आएगा 1.8 ये हमारा आएगा PMU से, मेन पावर से आएगा गाइस। अब उसके बाद क्या ध्यान देना है गाइस, हमको यहाँ पे जो ध्यान देना, ID ID की लाइन ध्यान देनी है, जो कि ये CPU से आती है, ID 0 और ID 1। इसमें GR आना चाहिए 619 और यहाँ पे 601 आना चाहिए, इसके बीच में क्या लगा रहता है, ये लाइनें आती है आपकी CPU से लाइन आती है। फिर आपको चेक करना है ये 7 नंबर और 8 नंबर के पिन पे गाइस, और यहाँ पे हमें 18 नंबर की पिन में यहाँ पे आप देखोगे टेरिंग की लाइन होती है, टेरिंग की लाइन होती है TE। यहाँ पे जो GR आना चाहिए 333 आना चाहिए, जो कि ये CPU से आता है गाइस। तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है, आपको ग्राफिक्स में आना है, सबसे पहले 21 23 3 और 4 और 7 और 8 और 18 वाली पिन पे हमें GR चाहिए। 21 वाली पिन पे कोई GR नहीं आएगा, 23 वाली पिन पे हमारा आएगा 472 और 3 और 4 पे आएगा 1.8 और 364 रीडिंग, और 7 नंबर पिन पे 619 और 8 नंबर पिन पे 601 और टेरिंग पे आएगा 333। अगर आपका ये आ रहा है तो एक बार आप वोल्टेज चेक कर लोगे, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात, अब आपको बगल में आपको दिख रहा होगा CPU, ये आपका डुअल कॉयल लगा हुआ है गाइस। यहाँ पे आपको मीपी की लाइन होती है, डाटा की लाइन होती है, ये कोई भी ओपन नहीं होना चाहिए। अगर इतना आपको, आपका अगर बोर्ड सही है, ओके है, तो यहाँ पे अगर आपका ग्राफिक्स 110% आ जाएगा। अब इनके बीच में क्या कॉम्पोनेंट लगे हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। मैंने बोला है गाइस कि आपको एंडलेस, और मैं लास्ट में आपको एंडलेस सोल्यूशन दूंगा, डायरेक्ट सोल्यूशन दूंगा कि आपको करना क्या है सारी चीजें।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको बता दिया इंटरफेस। अब मैं दिखाऊंगा कि इनमें +5 -5 VREG और IDE और टीयरिंग के लाइन में क्या क्या कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊंगा अपने सोल्यूशन में, हार्डवेयर सोल्यूशन में। तो चलिए देखिए, ये मैंने, ये आपके पास सबके पास होगा बेसिकली, लोग इसको चला भी लेते हैं, पर मैं यहाँ पे आपको फुल डिटेल के साथ ये वीडियो डाल रहा हूँ गाइस। तो ये देखिए हमारा ये कनेक्टर है। अब आप बोलेंगे कैसे पता चलेगा, तो देखिए जैसे आप जूम करेंगे तो आपके कनेक्टर्स के पिन आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला गाइस, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा दूँ इसको, मैंने यहाँ पे आपको बोला कि सबसे पहले आपको 21 नंबर पिन पे और 23 नंबर पिन पे +5 और -5 को आपको चेक करना है कि +5 -5 आ रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए 21 और 23 पे आपको रीडिंग चेक करना है, जो कि मैंने आपको रीडिंग वहाँ पे बता दी है पूरे रीडिंग और वोल्टेज के साथ। और ये कहाँ से आता है देख सकते हैं आप, PMI से। अब इनके बीच में कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा, ये TP लगा हुआ है गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे +5 -5 इसके बीच में कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा हुआ है। एक कॉम्पोनेंट लगा हुआ है यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है आपका प्लस के लाइन में, +5 के लाइन में कैपेसिटर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका +5 -5 नहीं होता है, तो पहले मैं आपको पहले कॉम्पोनेंट की और सप्लाई की नॉलेज दे देता हूँ, उसके बाद में एंडलिस्ट में आपको एंड में एक डायरेक्ट सोल्यूशन देने वाला हूँ गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पे 21 और 23 पिन पे हमारा ये कनेक्टर है, जैसा कि देख सकते हो ये सारा हमारा बोर्ड है, आपको इसे Note 6 Pro का बोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो 21 और 23 नंबर पे हमारा यहाँ पे रीडिंग आना चाहिए, अगर रीडिंग और वोल्टेज नहीं आ रहा है तो सीधा और सीधा हमें इस IC पे काम करना होगा। चलिए फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको गाइस, यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, 3 और 4 नंबर पिन पे, ये हमारे VREG की लाइन होती है, जो कि वोल्टेज आएगा 1.8 और हमारा रीडिंग आएगा 664। चलिए तो हम यहाँ पे जाते हैं फटाक से। तो देखिए 3 और 4, तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 और 5 है बेसिकली। तो 4 और 5 पे आपको आना चाहिए, यहाँ पे देखिए 2 कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटर लगा हुआ है पैलर में। अभी पैलर सीरीज कैसे है, तो इसका डीपनी नॉलेज आपको ऐसे टेलीकॉम आने के बाद ही पता चलेगा कि सीरीज और पैलर का डीपनी नॉलेज सारे चीजें। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर ये लाइन जो जा रही है हमारी, ये मैंने बताया था मेन पावर से आएगा, देख सकते हैं VREG 1.8, और इसके बीच में मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई भी कॉम्पोनेंट लगा है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, और ये सीधा सीधा पावर IC से आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 1.8 हमारा आ रहा है मेन पावर से आ रहा है, जिसके बीच में कोई भी सीरीज में कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा है, जैसा कि आपने +5 -5 में देखा था कोई भी सीरीज कॉम्पोनेंट नहीं लगा है। अगर वो ट्रैक ओपन हो जाएगी तो सीधा आपको IC लेवल पे काम करना होगा। तो यहाँ पे भी -5 और यहाँ पे भी कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा हुआ है गाइस। अब आता है हमारा 1 2 3। अब हमारा 4 नंबर आता है ID 0 और ID 1। अब इसके बीच में देखते हैं सीरीज या पैलर में क्या क्या कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं। 7 और 8 नंबर के पिन में हम देखते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे 7 नंबर और 8 नंबर के पिन को देखते हैं, यहाँ पे 7 और 8 ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, ये हमारी ID की लाइन है, दोनों एक रजिस्टर लगा हुआ है, हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं 2.2K का एक हाई वैल्यू का एक एक रजिस्टर लगा हुआ है। 7 और 8 नंबर पिन पे हमारी GR मैंने नोट करा दी है आपको। तो यहाँ पे हाई वैल्यू का रजिस्टर है, या अगर आपका ये ओपन हो जाता है या लीकेज हो जाता है तो आपको यहाँ पे हाई वैल्यू का रजिस्टर रिप्लेस करना होगा। चलिए अब ये लाइन देखते हैं कि कहाँ से आती है गाइस, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो देखिए दोनों लाइनें हैं हमारी, ये देख सकते हैं ID 1 और ID 0, ID 1 और ID 0 LCM, और ये सीधा इसके बीच में कोई भी सीरीज कॉम्पोनेंट में नहीं लगा हुआ है, सीधा और सीधा ये आपका CP में जा रहा है गाइस। तो ये मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली तौर से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये रखे भी हैं, बोर्ड भी हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता ये वीडियो देखेंगे तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब उसके बाद आपको चेक करना है टीयरिंग की लाइन। टीयरिंग की लाइन गाइस आप देखोगे, टीयरिंग की लाइन में आपका GR आना चाहिए इतना 300 333, और यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर की पिन पे आपको जाना है। तो मैं 18 नंबर की पिन पे जाता हूँ, और 18 नंबर की पिन पे हम जाते हैं। 18 नंबर की पिन जो है हमारी टीयरिंग की लाइन है, तो यहाँ पे भी आपको GR आना चाहिए। तो ये सारे बेसिकली जो 23 21 18 10 और यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है गाइस, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और चलिए पहले हम टेयरिंग की लाइन को ट्रेस कर लेते हैं। टेयरिंग की लाइन में आपको यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर की पिन है, और इसमें आपका कोई भी सीरीज कॉम्पोनेंट नहीं लगा हुआ है, और ये सीधा और सीधा CPU से आ रहा है गाइस। और आपको एक लाइन और चेक कर लेनी है, यहाँ पे आपको 10 नंबर की पिन पे GR आएगा, 10 नंबर की पिन पे ये हमारी रिसेट की लाइन है, ये भी लाइन हमारा CPU से आता है, और यहाँ पे देखेंगे आप सीरीज में कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा है, डायरेक्ट और डायरेक्ट CPU में। तो गाइस अगर मैं बात करूँ फाइनली, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको बता दिया, और जो MIPI की लाइन है जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, डुअल कॉइल लगा हुआ है आपको,
और इसके बाद अगर ये डुअल कॉइल ओपन हो जाता है तो भी आपका ग्राफिक्स का इशू आ सकता है। तो यहाँ पे इसके बाद और सीधा सीधा आप देखेंगे ये सारी लाइनें सीपीयू से आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सारी लाइनें ये हमारी सीपीयू से आती है। तो ये आप देख सकते हो पूरी लाइन हमारी सीपीयू से आती है और उसके बीच में कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा है। तो फाइनली अगर हम बात करें गाइज, यहाँ पे अगर हम फाइनल की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फाइनल में आपको डायरेक्ट सोल्यूशन देना है, तो डायरेक्ट सोल्यूशन में मैं आपको यही बताना चाहूंगा गाइज कि अगर आपकी कोई भी लाइन यहाँ पे मिस हो जाती है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मीपी की लाइन, अगर मीपी की लाइन अगर डुअल कॉइल कोई भी ओपन हो जाता है तो आप उसे हटा करके जंपर मार सकते हैं, लाइन आपकी सही हो जाएगी। बट अगर उसके तरफ भी सीपीयू से कोई सिग्नल नहीं आ रहा तो आपको सीपीयू में काम करना होगा गाइस। अगर आपका +5 -5 नहीं आ रहा तो सीधे आपको पीएमआई में ट्रैक चेक कर लेना है और यहाँ पे पीएमआई आपको चेंज करना है, जिसमें आपका +5 -5 मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका वीआरजी 1.8 नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे 1.8 दे सकते हैं इस कनेक्टर पे। अगर यहाँ पे 1.8 नहीं आ रहा है तो आप 1.8 किसी भी पावर आईसी के पास से और कहीं से भी 1.8 आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो आपका ग्राफिक्स इनेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आईडी रिसेट और टेरिंग की बात करें यहाँ पे, तो एक पिन और 10 नंबर की पिन है रिसेट की लाइन, उसमें अगर ये चारों में से कोई भी लाइन मिस हो जाती है तो सीधा और सीधा आपको सीपीयू रिवॉल्व करना होगा गाइस। तो फाइनली ये जो ट्रिक है, मैंने आपको सीरीज और पैलर में जो भी कॉम्पोनेंट लगे हैं, जो भी कंडीशन आती है, अगर ये शॉर्ट होता है, अगर ये लाइन शॉर्ट होती है तो हमें पैलर कॉम्पोनेंट ढूंढना है, अगर ये लाइन ओपन होती है तो हमें सीरीज कॉम्पोनेंट ढूंढना है गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर इस वीडियो में अगर आप ये देख करके बना सकते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और भी ले करके आता रहूँगा गाइस। तो आई होप ये वीडियो मैंने जो बनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, आपको एंडलेस सोल्यूशन है गाइस कि अगर आपका +5 -5 नहीं आ रहा है तो सीधा आप पीएमआई चेंज करिए। अगर उसके बाद जो डाटा की लाइन है, डाटा की लाइन मिसिंग हो जाती है तो सीधे आपको सीपीयू पे काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग कनेक्टर पे रीडिंग के अनुसार। अगर ओपन हो जाएगी तो सीधे हमें सीधे हमें सीपीयू पे काम करना होगा गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आप वीडियो को बने रहे और हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, एंडलेस सोल्यूशन मिला कि नहीं। थैंक यू सो मच।